गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का महिला महाविद्यालय ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आज की मेरी क्लास बीए भाग द्वितीय में समाजशास्त्र प्रथम पेपर पर होगी। हमारा विषय चल रहा है प्रश्नावली और अनुसूची विधि। आज हम इस पे अंतर की चर्चा करेंगे। देखिए, मुख्य रूप से प्रश्नावली और अनुसूची, अगर इनका हम अंतर निकालें तो ये सामान्यतः प्रश्नों के एक समुच्चय के रूप में हमें दिखाई देती है। विद्वानों ने तकनीकी आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, काम लेने की जो विधि है उसके आधार पर, उत्तरदाता की प्रकृति, निर्देशन, साक्षात्कार, अवलोकन के गुण, अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिनके आधार पर इसमें अंतर स्थापित किया है। मुख्य रूप से प्रश्नावली विधि और अनुसूची विधि में निम्न अंतर है। सबसे पहला बिंदु है निदर्शन। निदर्शन को अंग्रेजी भाषा में सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है किसी अध्ययन क्षेत्र के अंदर जितने भी उत्तरदाता निवास करते हैं वो हमारे लिए निदर्शन है, यानी वो हमारी अध्ययन में काम आने वाली इकाई है। अब इसमें वो समग्र होता है, उस समग्र में से कुछ इकाइयों को चुनना और उन पर अध्ययन करना और प्राप्त परिणाम को संपूर्ण पर लागू कर देना, ये निदर्शन कहलाता है। उदाहरण के लिए, हमारी माताएं बहनें रसोई के अंदर चावल जब कुकर में बनाती हैं, एक साथ चावल डाल देती हैं, जो भी उनकी प्रक्रिया है, निश्चित सीटी आने के बाद वो ढक्कन खोल के चावल के कुछ दाने अपने हाथ में लेती हैं, उनको दबा कर देखती हैं, वो टूट गए, अर्थात कुछ निकाला, उसको प्रयोग करके देखा, अगर वो टूट गए इट मीन्स पूरे चावल पक चुके हैं, बन चुके हैं। उन्होंने प्रत्येक चावल को तोड़ के नहीं देखा। इस घटना में क्या था, संपूर्ण चावलों में से कुछ चावल निकाले, कुछ इकाई निकाली, उन पर प्रयोग किया और जो परिणाम प्राप्त हुआ उस परिणाम को संपूर्ण पर लागू कर दिया। ठीक इसी प्रकार हम निर्देशन विधि में उत्तरदाताओं में से कुछ उत्तरदाताओं का चयन अध्ययन के लिए कर लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन विधि में इसके आधार पर अंतर क्या है। तो अनुसूची विधि में हमें निदर्शन की सैम्पलिंग की आवश्यकता पड़ती है। हमें संपूर्ण उत्तरदाताओं में से कुछ उत्तरदाता वैज्ञानिक आधार पर चुनने होते हैं और उनका हम अध्ययन करते हैं, जबकि प्रश्नावली विधि में सैम्पलिंग की आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं होती। वहाँ संख्या निर्धारित होती है, जैसे हमें 200 लोगों का अध्ययन करना है या 300 लोगों का अध्ययन करना है, वो हम रैंडमली अपने हिसाब से सूची में से निकाल लेते हैं। उसका आधार वैज्ञानिक भी हो सकता है, क्योंकि हम उसमें उत्तरदाता को जानते नहीं हैं, उसके साथ हमारा प्रत्यक्ष संबंध नहीं होने वाला है, इस स्थिति में हमें उनका प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ मोटे तौर पर हम कह सकते हैं निर्देशन का जो प्रयोग है वो अनुसूची में अधिक होता है या ज़्यादा होता है या होता ही है, लेकिन प्रश्नावली में निर्देशन की आवश्यकता नहीं भी है। ये मुख्य अंतर इसका माना जाएगा। इसके बाद द्वितीय अंतर की बात करें हम, डाक या कोरियर। देखिए, प्रश्नावली विधि में जब हम प्रश्नों का निर्माण विषय से संबंधित कर लेते हैं तो उत्तरदाता और अध्ययनकर्ता के मध्य अप्रत्यक्ष संबंध होता है। अध्ययनकर्ता उस प्रपत्र को एक सहगामी पत्र के साथ भेजता है उत्तरदाता के। अब भेजेगा किसके द्वारा, या तो डाक से या कूरियर से। तो इसका मतलब इसमें डाक और कूरियर का प्रयोग किया जाएगा, जबकि अनुसूची विधि में स्वयं अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध एक एक से स्थापित करेगा, जानकारियों को कलेक्ट करेगा, तो वहाँ डाक कूरियर की कोई उपयोगिता नहीं है। तो दूसरा अंतर है कि प्रश्नावली में डाक कूरियर मुख्य उपकरण के रूप में काम आते हैं, जबकि अनुसूची विधि में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण उत्तरदाता और अध्ययनकर्ता के मध्य भौगोलिक दूरी होती ही नहीं है। तृतीय अंतर है प्रत्यक्ष संबंध के आधार पर। अभी मैंने स्पष्ट किया था आमने सामने के संबंध किस में होंगे। निश्चित तौर पर जब हम डाक और कूरियर का प्रयोग कर रहे हैं, हम उत्तरदाता से मिल नहीं रहे तो इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया, यहाँ अप्रत्यक्ष संबंध है और ये होता है प्रश्नावली में। तो यह स्पष्ट हुआ अनुसूची विधि में प्रत्यक्ष आमने सामने के संबंध होते हैं,
जबकि प्रश्नावली विधि में आमने सामने के संबंध नहीं होते, वहां प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यहां मैं विद्यार्थियों को स्पष्ट कर दूं, आजकल नई तकनीक आई है, आजकल हम लोग 4G मोबाइल के माध्यम से दूर बैठे उत्तरदाता से वीडियो कॉलिंग करके संबंधित सूचनाएं प्राप्त करते हैं। अब भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि ये तो फिर प्रत्यक्ष संबंधी हुआ, हम आमने सामने एक दूसरे को क्रिया करते हुए देख रहे हैं और इस पैरामीटर में फिर ये कहाँ खरा उतरेगा। तो उसका जवाब ये है, भले ही हम मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग करके दूर बैठे उत्तरदाता का अध्ययन करें, लेकिन इसे हम दूरभाष साक्षात्कार या अवलोकन कह सकते हैं, अनुसूची विधि नहीं कहेंगे। अनुसूची के लिए मुख्य शर्त यही है कि स्वयं अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाएगा, भले ही आपकी तकनीक कितनी भी उन्नत हो। तो यहाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि टेलीफोनिक सर्वे या दूरभाष सर्वेक्षण साक्षात्कार विधि तकनीकी परिपक्वता का परिचायक हो सकती है, लेकिन मुख्य जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उससे वो अलग नहीं है। अनुसूची में जाना ही पड़ेगा और प्रश्नावली में अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं। अगले अंतर के रूप में भौगोलिक क्षेत्र, यहाँ भौगोलिक क्षेत्र का जो अंतर है वो इस रूप में होगा कि अनुसूची में तो हम क्या करते हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ घनत्व जनसंख्या का अधिक है वहाँ ही अध्ययन कर सकते हैं। यदि मान लीजिए जनसंख्या बिखरी हुई अवस्था में निवास करती है तो हमें अध्ययन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए उत्तरदाता से संपर्क ना होने का जो भय है वो अध्ययनकर्ता को सताता है। तो वो सोचता है कि मैं ऐसे इलाके में जाके अध्ययन करूँ घनत्व जहाँ पे ज़्यादा हो, जहाँ मुझे एक ही समय में अधिक से अधिक सूचनादाता प्रदान हो जाएं। प्रश्नावली विधि में इसकी कोई समस्या ही नहीं है, यहाँ इसका पॉजिटिव सेंस ही है कि भले ही उत्तरदाता जनसंख्या घनत्व में रहते हों या वो छितरी हुई अवस्था में बिखरी हुई अवस्था में अलग अलग दूर भौगोलिक क्षेत्र में रहते हों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का काम तो डाक ले जाने वाले पोस्टमैन का है, कोरियर बॉय का है, तो ऐसी स्थिति में हमें तो दिक्कत है नहीं। तो यहाँ प्रश्नावली विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण हुई कि वहाँ बिखरी हुई जनसंख्या में रहने वाले जो लोग हैं, जो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। जबकि अनुसूची में कोशिश ये रहती है कि हम अधिक जनसंख्या घनत्व वाले इलाके में जाए जहाँ उनका बैठकर अध्ययन किया जाए और एक ही समय में अधिकांश हमें सूचना प्रदाता उपलब्ध हो जाए। तो भौगोलिक आधार पर जब इसकी हम तुलना करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से यही अंतर दिखाई देता है जो कि प्रश्नावली विधि के पक्ष में जाता है। अगला है साक्षात्कार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंटरव्यू आंतरिक भावनाओं का अध्ययन करने वाली विधि। अब यहाँ स्पष्ट है कि जिस विधि में संबंधी आमने सामने के नहीं है तो विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं कि वहाँ साक्षात्कार के गुणों का समावेश होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो आमने सामने होना जरूरी है। तो प्रश्नावली विधि में चूंकि अप्रत्यक्ष संबंध है तो साक्षात्कार के गुणों का समावेश नहीं होता है। अनुसूची विधि में डायरेक्ट फेस टू फेस रिलेशन है, तो इसका मतलब है वहाँ साक्षात्कार के गुणों का समावेश होगा। तो ये मोटा अंतर देखा जाता है। अब साक्षात्कार के गुण क्या है? अध्ययनकर्ता के द्वारा कोई प्रश्न किया गया, जैसे आप किस तरह का व्यवसाय करते हैं, आपके व्यवसाय में कितना कमा लेते हैं, सामने वाला किस वे में जवाब दे रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके चेहरे पर भाव कैसे हैं, इन सब का अध्ययन करके हम उसकी आंतरिक भावनाओं का पता लगा सकते हैं कि वो सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो यहाँ साक्षात्कार के गुणों का समावेश अनुसूची में होगा और प्रश्नावली विधि में नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार अगला अंतर अवलोकन से संबंधित है। अवलोकन में वाणी जिसके द्वारा हम बोल रहे हैं, कान जिससे हम सुन रहे हैं, इनकी तुलना में नेत्रों का वैज्ञानिक प्रयोग अवलोकन है। अवलोकन को सामान्यतः सहभागी, असहभागी, अर्ध सहभागी आधार पर हम बांट सकते हैं। सहभागी में अध्ययनकर्ता पूरी तरह उस अध्ययन क्षेत्र में सहभागी सदस्य के रूप में रहकर उनकी आंतरिक क्रियाओं का, उनके व्यवहार का, संस्कृति का अध्ययन करता है। अर्ध सहभागी में कुछ समय तक उनके साथ रहकर
संपूर्ण घटनाओं के बीच एक तारतम्यता बनाता हुआ अध्ययन करता है और असहभागी में एक गुप्तचर की भांति दूर बैठा हुआ उनकी घटनाओं का संस्कृति का अध्ययन करके प्रलेखन करता रहता है। अब चूंकि डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं प्रश्नावली में, अप्रत्यक्ष संबंध है, तो अवलोकन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो सुदूर क्षेत्र में बैठा हुआ है अध्ययन करता, उत्तरदाता अलग अपने कमरे में बैठा है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे की क्रियाओं का अध्ययन नहीं कर सकते, तो किसी भी प्रकार का अवलोकन का गुण प्रश्नावली में समाहित नहीं होगा। लेकिन अनुसूची में अध्ययन क्षेत्र में अध्ययन करता गया, वहाँ जाकर उसने घटनाओं को घटते हुए देखा, बहुत सी बातों के जवाब उसे वैसे ही मिल जाते हैं। जैसे प्रश्नावली में तो आप लिखते हैं आपकी आयु कितनी है, आपका लिंग क्या है, आपकी शैक्षणिक स्थिति क्या है। जब आप फेस टू फेस रिलेशन में जाएंगे, व्यक्ति को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस आयु काल में होगा, बच्चा है, बूढ़ा है, अधेड़ है, युवा है, महिला है, ये चीज़ पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार एक उदाहरण है, एक महिला जिसने सुहागिन प्रतीक चिन्ह धारण किए हुए हैं, उसने मांग में सिंदूर भरा हुआ है, अब उससे यदि हम पूछें कि आप विवाहित हो, तो ये हमारी मूर्खता होगी ना। जब हमें स्पष्टतः प्रतीत हो रहा है कि वो एक सौंदर्य बोधक आधार पर सुहागिन के प्रतीक चिन्हों को धारण करके बैठी है, तो उसका विवाहित अविवाहित होने का पूछना हमारे लिए गलत है। ये हम किस आधार पर कर पाए, अवलोकन के आधार पर। तो निश्चित तौर पर अनुसूची में अवलोकन विधि ज़्यादा कारगर होती है और प्रश्नावली विधि में अवलोकन के गुण नहीं आ सकते क्योंकि उनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। अगले अंतर के रूप में उत्तरदाता की शिक्षा। प्रश्नावली विधि में हमेशा सभी विद्वान समाजशास्त्रीय दोष लगाते हैं, वो सत्य भी है, यह केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए ही सर्वोत्तम विधि है, जबकि अनुसूची विधि में शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं की बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अध्ययनकर्ता ने प्रश्नावली विधि में प्रश्न बनाकर डाक कूरियर से भेज दिए, अब आप अनुमान लगाइए वो उत्तरदाता पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए तो काला अक्षर मैश बराबर है, वो समझ ही नहीं पा रहा मुझे करना क्या है, वो फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल देगा क्योंकि उसके लिए उसका मूल्य नहीं है। अगर वो शिक्षित होता, वो उसको पढ़ेगा, ऑब्जेक्ट क्लियर करेगा, गोपनीय से गोपनीय जानकारी देने की कोशिश करेगा या जो भी वो प्रश्न पूछे गए उनके सटीक जवाब देकर उसको भेज देगा। अब मान लीजिए हमने 200 लोगों को प्रश्नावली भेजी, वहाँ 40 लोग अशिक्षित हैं, तो निश्चित तौर पर 160 ही हमारे पास अधिक से अधिक प्रश्नावली आ सकती है, डेटा लॉस तथ्य 6 की संभावना बढ़ गई है। अनुसूची में ऐसा नहीं है, आप खुद वहाँ अध्ययनकर्ता की भूमिका में जा रहे हैं, अब भले ही आपके सामने वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, आप प्रश्न पूछते हैं, वो धैर्यपूर्वक सुनता है और उसका जवाब देता है। अगर उसको कोई समस्या आ गई तो आपसे पुनः पूछ सकता है कि श्रीमान जी आप ये क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आया, आप उसे अच्छी तरह से स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए समझा देते हैं और वो उसके जो मन के विचार है, जो विचार प्रकट करना चाहता है, वो हमें बताएगा, हम उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर शिक्षित उत्तरदाताओं का होना या ना होना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये प्रश्नावली में महत्वपूर्ण होता है। अतः हम कह सकते हैं प्रश्नावली विधि केवल मात्र केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए लोकप्रिय विधि है, उसी में उनका सर्वाधिक उपयोग किया जा सकता है, मगर अनुसूची विधि में शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं के व्यूज़, उनके विचार अध्ययन में शामिल किए जा सकते हैं। अगला अंतर है प्रश्न परिवर्तन। कई बार क्या है, हम प्रश्नावली विधि में प्रश्न लिख देंगे, हमें अंदाजा नहीं है उस प्रश्न का जवाब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई बार अप्रत्यक्षता होने के कारण हम निजी जानकारियां डीपली उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होने के साथ साथ संवेदनशील जानकारियों के प्रश्न भी पूछ लेते हैं। अब ऐसे प्रश्नों के संदर्भ में उत्तरदाता स्वतंत्र है, वो चाहे तो आपको जवाब दे सकता है, हो सकता है वो खाली छोड़ के आपको भेज दे, क्योंकि यहाँ पे समस्या क्या आई, उसके निजी जीवन को आप टच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही काम आप अनुसूची में देखें, आपने कोई प्रश्न किया और आपको लगा कि सामने वाले उत्तरदाता के मन में संकोच उत्पन्न हो गया है, वो भ्रम की स्थिति में है, तो
तो आप उसको भांपते हुए तत्काल प्रभाव से निर्णय लेकर प्रश्न का क्रम बदल सकते हैं, क्योंकि पहली मुलाकात में पहला ही प्रश्न यदि आप पूछ लें किसी महिला से कि आपको कैसा जीवन साथी चाहिए, शायद वो जवाब नहीं देगी। लेकिन यदि आप उसे सहज वार्तालाप करते हुए एक माहौल हल्का बना दें, धीरे धीरे उसके साथ इको फ्रेंडली हो जाएं और लास्ट में घुमा फिरा के वो प्रश्न आप परिवर्तित रूप में पूछ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, जीवन में आप विवाह करेंगे तो आपका जीवन साथी कैसा होगा, शायद यहाँ जवाब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में अब स्पष्ट हो गया, प्रश्नावली में हम प्रश्नों का क्रम टाइप जो हो चुका है उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी स्थिति वही होती है जैसे तूनीर से बाण निकल गया, वो लक्ष्य पर जाएगा ही जाएगा, कोई परिवर्तन उसका हम नहीं कर सकते। आपने भेज दी, सामने वाला पढ़ेगा, जवाब भेजेगा, मगर अनुसूची में आपके पास कंट्रोल है, आप स्थिति को, परिस्थिति को, सामान्य वातावरण को भांप सकते हैं। आपको लग रहा है कि सामने वाला जवाब देने में असहज महसूस कर रहा है, आप प्रश्न को ड्रॉप कर दीजिए, दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए, उसकी रुचि से संबंधित आप अनुमान लगा के पूछ लीजिए और उन्हीं प्रश्नों को थोड़ा समय बिताने के बाद अंत में भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्नों के परिवर्तन का जब अंतर की बात आती है तो अनुसूची में परिवर्तन हो सकता है, क्रम बदला जा सकता है, मगर प्रश्नावली विधि में ऐसी कोई संभावना नहीं होती। अगला अंतर है भ्रम निराकरण। देखिए, भ्रम निराकरण का अर्थ है यदि आपने कोई प्रश्न थोड़ी क्लिष्ट भाषा में पूछ लिया गया है, प्रश्नावली विधि में लिख दिया गया है, उत्तरदाता उसको समझ नहीं पा रहा, वो बिना समझे जैसा उसकी बुद्धि है जवाब लिख देगा। उदाहरण के लिए आप यूं भी पूछ सकते थे कि आप किस तरह के पारिवारिक माहौल में रहते हैं, आपकी पारिवारिक संरचना कैसी है, तो शायद वो समझ जाएगा कि आप उसके एकल या संयुक्त परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन आपने शब्दावली कठोर कर दी और आप कह रहे हैं कि समाजशास्त्रीय प्रतिमानों के अनुसार संस्थागत क्षेत्रों की अवधारणाओं में संयुक्त परिवार की व्यवस्था के अंतर्गत क्या आप निवास करते हैं अथवा नहीं, वो पूरी लाइन का मतलब ही नहीं समझ पाएगा, उसे लगेगा बड़ी जटिल, लच्छेदार, जार्गन्स, भारी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वो भ्रम में आ गया, मैं क्या लिखूं, वो सोचेगा कुछ गलत ना हो जाए, खाली छोड़ देगा। अब यही प्रश्न यदि आप अनुसूची में काम ले रहे हैं और उसके सामने खड़े तो पूछेगा भैया ये इसका मतलब तो बताओ, तब आप कहेंगे अच्छा ये बता जो तुम परिवार में रहते हो वो परिवार कैसा है, चाचा ताऊ भाई बंधु एक साथ रहते हैं या अपने बच्चों के साथ तुम अलग रहते हो, वो सहज रूप से समझ जाएगा कि वो एकल की बात कर रहा है, संयुक्त क्यों कर रहा है। तो प्रश्न के संदर्भ में कोई भ्रम होता है तो अनुसूची में उसका निराकरण होने की पूर्ण संभावना है, प्रश्नावली में इस तरह का निराकरण नहीं हो सकता है। अगला अंतर है गोपनीयता। देखिए, इस गोपनीयता वाले बिंदु में दो पक्ष हैं। कभी कभी प्रश्नावली विधि में उत्तरदाता यह सोच लेता है कि उत्तरदाता और अध्ययनकर्ता जिंदगी में कभी मिलेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, और वह एक अदृश्य पर्दे की वजह से अपनी मन की बातों को, विचारों को प्रकट कर देता है लेखन के माध्यम से। वो सेंसिटिव मुद्दों को भी लिख देगा, लैंगिक परिस्थिति के छिपे हुए मुद्दे या फिर कोई विविधता वाली बातें, संवेदनशील चीज़ें सब लिख देगा वो, उसको पता है कि वो जानता ही नहीं है। अब इसको आप दूसरे रूप में लीजिए, अनुसूची विधि में आप गए और आपने कोई निजी व्यक्तिगत जीवन का गोपनीय प्रश्न पूछा, सामने वाला संकुचित हो गया, पता नहीं मेरी इस इन्फॉर्मेशन का दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा, वो चाहकर भी सीक्रेसी वाली बात नहीं बताएगा, वो सहज बातें बताएगा जो बातें समाज में सामान्य रूप से कही जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में मोटे तौर पर अंतर क्या आया कि प्रश्नावली विधि में अप्रत्यक्ष संबंध है, अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने की स्थिति में नहीं है, तो गोपनीय सूचनाएं वो आसानी से प्रदान कर देगा, जबकि अनुसूची में उसके सम्मुख संकोच रहता है, उसे लगता है कि कहीं मेरी इस जानकारी का, मेरी व्यक्तिगत निजी सूचना का दुरुपयोग ना हो जाए, इस आधार पर वहाँ गोपनीय सूचनाओं के मिलने की संभावना कम रहती है। इसका दूसरा पक्ष भी है, कभी कभी उल्टा भी होता है। प्रश्नावली विधि में उत्तरदाता ये मन में स्थापित कर लेता है कि मैं जानकारी क्यों दूं, मैं केवल सामान्य दे सकता हूं, अपने निजी जीवन के बारे में नहीं बताऊंगा, तो नहीं बताएगा। और अनुसूची में आप उसे प्रेरणा दे सकते हैं, अरे भाई बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका उपयोग अपने अध्ययन में ही लेंगे, तो शायद वो प्रेरित होकर सूचना दे भी सकता है। तो गोपनीयता का जो मुद्दा है ये डिपेंड करता है कि उस वक्त परिस्थितियाँ कैसी है,
और मुख्य रूप से इसमें अंतर आ जाता है। अगला बिंदु है हमारा उत्तर प्राप्ति की संभावना, यानी रेस्पॉन्स जो आ रहा है, डेटा लॉस हो रहा है उसके संदर्भ में। तो यह विद्यार्थियों के मन में भ्रम होना ही नहीं चाहिए। जब हम प्रत्यक्ष संबंध के आधार पर अनुसूची विधि का प्रयोग कर रहे हैं और उत्तरदाता से हम मिले, जैसे दिन भर में हम 10 लोगों से मिले, तो 10 लोगों का हम अध्ययन करके उनकी सूचना लिखेंगे। इसका मतलब है 100% हमें उत्तर प्राप्त हो रहे हैं हमारी उस प्रश्नों की सूची के। लेकिन यदि हम प्रश्नावली विधि का प्रयोग कर रहे हैं और हमने 200 लोगों को क्वेश्चनेयर बनाकर सहगामी पत्र के साथ भेज दी, क्या पता उनमें से 50 लोग तो खोल के ही नहीं देखें। अब वो डेटा लॉस होकर 150 पे आ गया, 150 में से भी 70-80 ने जवाब लिखे और 30-40 ही पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसको आप तक पोस्ट कर पाए, तो आप देखिए 200 लोगों का जो किया गया अध्ययन था वो मात्र 50-60 तक सिमट गया। यानी 100% उत्तर प्राप्ति की संभावना प्रश्नावली विधि में नहीं होती है, जबकि अनुसूची विधि में पूरा आंकड़ा आ सकता है, डेटा लॉस नहीं होता है। अगले अंतर के रूप में प्रशिक्षण का बिंदु है। प्रशिक्षण से तात्पर्य है यहाँ अध्ययनकर्ता के प्रशिक्षण का है। अब अनुसूची विधि और प्रश्नावली विधि की हम तुलना करें तो प्रश्नावली में ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अध्ययनकर्ता ने प्रश्न बनाए, अपना उद्देश्य क्लियर किया, सहगामी पत्र में उसका उल्लेख किया, स्वयं का पता लिखा लिफाफा लगाकर उसने डाक या कूरियर से भेज दिया। उसे ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कुशलता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुसूची विधि में वो अध्ययन क्षेत्र में जाता है, उसको कई प्रकार से प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। सबसे पहले वाणी का संयम। हो सकता है अपने निजी जीवन में अपने मित्र समुदाय के सामने वो कुछ ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करता हो जो उसे सहज लगती हों। जैसे कई बार हम बात ही बातों में कह देते हैं, अरे यार इसका मतलब बताना। अब यार शब्द उसने सहजता से कहा, लेकिन आप सोचें यदि आप अध्ययन क्षेत्र में गए और उत्तरदाता से आपने कह दिया अरे यार इसका मतलब बताना, वो भड़क सकता है। वो कहेगा आपने मुझे यार क्यों बोला, क्या मैं आपका यार हूँ? तो यहाँ ये संवेदनशील मुद्दा उभर के आ गया। तो यहाँ हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि हमारी विनम्रता होनी चाहिए, हमारा आग्रह होना चाहिए, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमारे उद्देश्य उसके सम्मुख स्पष्ट हों ताकि वो हमें सूचना दे दें। क्योंकि हमेशा अध्ययनकर्ता को अपने मन मस्तिष्क में यह बात स्थापित करनी है, हमें कुछ प्राप्त करना है, हम दाता नहीं है, हम ग्राही हैं। ऐसी स्थिति में उसके सम्मुख इको फ्रेंडली ऐसा बिहेवियर हमें करना है कि वो हृदय से आपको सूचनाएं प्रदान करे। ये चीज़ें एक दिन में तो आएंगी नहीं, इसके लिए कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो मुख्य रूप से अनुसूची में प्रशिक्षित अध्ययनकर्ता ही सफल होगा और प्रश्नावली में ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अंतिम अंतर के रूप में धन, समय और श्रम, तीनों के आधार पर हम तुलना करें तो प्रश्नावली विधि थोड़ी सस्ती विधि है, क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्चा हमारा नहीं होता। हमें प्रत्यक्ष संबंध में है, हमने क्वेश्चनेयर बनाई, पोस्ट की, डाक कुरियर का खर्चा आया, लिफाफे का खर्चा आया, स्वयं का पता लिखा लिफाफा जिसपे आपने टिकट लगाया है, जो उत्तरदाता आपको भेजने वाला है, अनुमानत है एक क्वेश्चनेयर पे 25 या 30 रुपये का खर्चे से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अनुसूची में खुद अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है, व्यक्ति से संपर्क करता है, हो सकता है वो हर समय उपलब्धि ना हो, संपर्क की समस्या भी तो आ सकती है, बार बार जाना भी पड़ सकता है, तो आना जाना, खाना उसका, वहाँ पे रहना, वहाँ पर अन्य संसाधनों का उपयोग करना, ये इतना महंगा बना देता है। तो हम अंतर के रूप में इसे स्थापित कर देंगे कि प्रश्नावली तुलनात्मक रूप से सस्ती विधि है, अनुसूची विधि श्रम, समय और अधिक संसाधनों की मांग करती है। ये हमारा प्रश्नावली अनुसूची के अंतर का बिंदु समाप्त हुआ। अगली कक्षा में एक नए बिंदु के साथ हम उन्हें उपस्थित होंगे। COVID-19 के इस वैश्विक महामारी में आप घर पर रहें, हमारे ऑनलाइन चैनल का उपयोग करते हुए अपनी कोई प्रतिक्रियाएं वो कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि हम अपने इस व्याख्यान में और सुधार कर सकें और आपके कुछ क्वेरीज हो तो वो भी डालें। धन्यवाद।